अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इन दिनों हावी है, चरम सीमा पर है, या फिर ये कहें कि सीमाओं का उल्लंघन कर रही है। एक दूसरे पर कटाक्ष करने के लिए राजनेता शब्दों की तो मर्यादा लांघ ही जाते हैं, साथ ही आरोपों में भी इस कदर वो डूब जाते हैं कि नेताओं को नीचा दिखाने का मौका वो हाथ से नहीं जाने देते। मौजूदा वक्त में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के नेता हाइक पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता से बेदखल हुई समाजवादी पार्टी बीजेपी को कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है, और इसी के चलते जब बरेली अखिलेश यादव दौरे पर पहुंचे तो वहां उन्होंने प्रदेश की सरकार पर तमाम सवाल उठाए और मौजूदा हालात को लेकर तमाम आरोप भी लगाए। चिन्मयानंद मामले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और इसी के चलते उनके ऊपर कार्रवाई में लापरवाही बरती जा रही है, पुलिस भी उस तरीके की सक्रियता नहीं दिखा रही है। मामले पर जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से जवाब मांगा गया तो उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यादव जी अपने दौर को मत भूल जाओ, जब आपके दौर में बेटियों को सूली पर लटका दिया जाता था, उन्हें सरेआम मौत की सजा दे दी जाती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का राज था तो प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं जंगल राज कायम था, कानून व्यवस्था का कहीं भी हाल देखने को नहीं मिलता था, पटरी से उतर चुकी थी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद कानून का राज कायम हुआ है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भले ही स्वामी चिन्मयानंद का बीजेपी से ताल्लुक है लेकिन निष्पक्ष जांच हो रही है और अगर आरोप उनके ऊपर साबित होते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इंसाफ जो भी पक्ष होगा उसको दिलवाया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस जवाब पर पत्रकारों ने कहा कि किस चीज का इंतजार किया जा रहा है। वीडियो सबके सामने है जिसमें स्वामी चिन्मयानंद दिखाई दे रहे हैं और वो सवाल जवाब भी कर रहे हैं। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वीडियो की भी स्पष्टता की जा रही है, उसकी सत्यता की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर जांच की जाएगी और स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कोई ये सवाल नहीं उठा सकता कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है और प्रदेश सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर के लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है। आखिर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को चेताते हुए कहा कि वो किसी भी मुद्दे पर बोलने से पहले अपने शासनकाल को याद कर लें, अपनी सरकार के वक्त के समय को याद कर लें, अपनी सरकार के वक्त की कानून व्यवस्था को याद कर लें, उसके बाद बीजेपी पर सवाल उठाएं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, अखिलेश यादव की तरफ से भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौका तलाश कर रहे हैं कि वो उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके इन सवालों के जवाब दे पाएं। तो आने वाले वक्त में आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में उत्तर प्रदेश में क्या नया देखने को मिलेगा वो दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी ये खबर कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।